अच्छा, तो ये जो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्लांट्स है, इसमें क्या है कि ये जो दोनों हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर सेलुलर स्पेसेस की वजह से प्लांट के पत्तों के अंदर जो है वो डिफ्यूज होकर जाती है, ठीक है। अगर एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो पौधों के पत्तों के अंदर डिफ्यूज होकर जाती है इंटर सेलुलर स्पेसेस, ठीक है। इंटर सेलुलर स्पेसेस कहते हैं जो कि सेल के दरमियान हो, इंट्रा कहते हैं एक सेल के दरमियान, इंटर सेलुलर मीन डिफरेंट सेल के दरमियान, ठीक है। अगर लफ्ज आएगा इंट्रा, तो इंट्रा का मतलब होता है कि डिफरेंट एक ही सेल के दौरान, ठीक है। डिफरेंट का मतलब होता है एक ही सेल के दौरान, जबकि यहाँ पे इंटर लिखा हुआ ना, इंटर सेलुलर का मतलब है कि डिफरेंट सेल हैं और उन सेल के दरमियान, ठीक है। तो सेल के दरमियान स्पेसेस मौजूद होती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा का लफ्ज आपने पहले भी सुना होगा कि स्टोमेटा जो है वो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं पत्तों के अंदर, जो प्लांट होते हैं उनके पत्तों के ऊपर जो है वो छोटी छोटी ओपनिंग होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा जो है इसको दो गार्ड सेल ने जो है वो कवर किया होता है, ठीक है। स्टोमेटा को दो गार्ड सेल ने कवर किया होता है और उनकी शिकल जो है वो तकरीबन इस तरह से होती है, ठीक है। स्टोमेटा की शिकल तकरीबन जो है वो इस तरह से होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू में होता है। अच्छा, तो मैं हम पढ़ रहे थे कि ये जो स्टोमेटा हैं, ये जो है इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर जाती है, ठीक है। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर जाती है, ठीक है। और स्टोमेटा जब खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाके मेसोफिल सेल के साथ अटैच होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल के साथ अटैच होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो मेसोफिल सेल से लेके जाते हैं ग्रीन सेल, और फिर वो जो ग्रीन सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऐसे को कहते हैं स्ट्रोमा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना रही होती है, ठीक है। कि डार्क रिएक्शंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होके ग्लूकोज बना रही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लाजमी जुज है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है, ग्लूकोज वगैरह बनाती है। तो कहाँ से बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनाती है, यानी कि इसको यूज करके CO2 को यूज करके क्या बनाती है, C6H12 और O6, ठीक है, ये बनाती है। डार्क रिएक्शंस आप जो है वो पढ़ेंगे अभी फोटोसिंथेसिस, हम आज पढ़ेंगे तो उसी के अंदर आप पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके साथ स्टार लगा देते हैं कि इसको हमने अभी पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप ये अध्ययन के अंदर ये याद रख लें कि जो डार्क रिएक्शंस हैं इसके अंदर साइड यूज होके क्या बना देगी, ग्लूकोज बना देगी, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी, सही है। अच्छा, जैसे वाटर की, तो वाटर तो आपको पता ही है कि रूट्स के जरिए जो है वो एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर, फिर जाइलम के जरिए जाता है स्टेम एंड लीव्स के अंदर, ठीक है। तो वाटर जो जाएगा जड़ों के जरिए, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो जाइलम के जरिए जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है पौधों के अंदर, ठीक है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है पौधों के अंदर, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम जो है वो स्टेम एंड लीव्स में लेकर जाएगा, ये जो जाइलम है ये स्टेम एंड लीव्स में लेकर जाएगा वाटर को, ठीक है। और उससे क्या होगा कि ये वाटर जो है वो यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है थोड़ा, ठीक है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बस थोड़ा सा यूज होता है। तो हम बात करते हैं कि वाटर जो है जो एब्जॉर्ब होता है पौधों के अंदर वो कहाँ जाता है जी, उसके साथ क्या होता है कि ज्यादातर जो है वो ट्रांसपायर्ड हो जाता है, यानी कि बुखरात की शक्ल में पौधों से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि बुखरात की शक्ल में पौधों से बाहर निकल जाता है, जबकि कुछ जो है थोड़ा बहुत जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी यूज हो जाता है, ठीक है। कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाता है।
अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके अंदर दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शंस, ठीक है, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। दो किस्म के रिएक्शन जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक होता है डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को क्यों कहते हैं कि इन रिएक्शन को होने के लिए आपको सनलाइट जो है वो लाजमी दरकार होती है। ठीक है, क्या चीज चाहिए होती है? सनलाइट। इसलिए इनको क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, तो ये होते कहाँ पे हैं? ग्रेनम में होते हैं। ग्रेनम अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं, ये टैक्स जो पड़े हुए हैं, तो जो लाइट रिएक्शन हैं वो इनके अंदर होते हैं। ठीक है, वो इनके अंदर होते हैं। आपने इनको पहले पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर आपने पढ़ा था कि ये इनको क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, इस पूरे पैकेट को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन है किसके अंदर होंगे? ग्रेनम के अंदर होंगे। और जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, तो लाइट है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे। और जब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को, सूरज की रोशनी जो आ रही है वो क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगी, क्लोरोफिल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब लाइट के अंदर क्या है? लाइट के अंदर है हीट वगैरह। ठीक है, लाइट के अंदर क्या है? हीट एनर्जी वगैरह है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने के बाद जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि एडीपी पहले से मौजूद होता है पौधों के अंदर और फास्फेट ग्रुप भी मौजूद होता है। ठीक है, अब इनको मैंने कहा था कि जब दो मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, तो इनको एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो गया था एनर्जी लेने की वजह से, वो अब आगे पीछे जाएगा तो अपनी एनर्जी जो है वो लॉस करता जाएगा, वो एनर्जी इनको मिलेगी। ठीक है, और एडीपी जो है एक और फास्फेट ग्रुप के साथ, ये फास्फेट ग्रुप है, एक और फास्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, एक और फास्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और एडीपी को फास्फेट में कन्वर्ट कर, एटीपी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपके पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह होता है जी लाइट रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के साथ एटीपी का मॉलिक्यूल बन गया। अब साथ में क्या है कि वाटर जो है लाइट रिएक्शन में, यही समझा रहा हूँ कि ये जो ग्रेनम है, ग्रेनम तो आपको पता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम मौजूद होता है, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई दी, और ये आपको जो सिक्के से नजर आ रहे हैं इनको कंबाइनली क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, ये थैलाकॉइड नजर आ रहे हैं, थैलाकॉइड एक प्लेट को कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक प्लेट को क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। और अगर सब प्लेटों को इकट्ठा कर लें तो क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन होंगे, सूरज की रोशनी जब आएगी, ठीक है, दिन के अंदर अभी भी फोटोसिंथेसिस हो रही होगी पौधों के अंदर। ठीक है, तो सनलाइट जो है वो जब पड़ती है ग्रेनम के ऊपर, ठीक है, ग्रेनम के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो होता क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने के बाद ये एक अपनी जगह छोड़ के आगे के पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जब देखें जिस तरह आप किसी एक पत्थर उठा के बहुत सारे पत्थरों को मारते हैं, या स्नोकर में देखें एक गेंद जो है वो मारा जाता है और बाकी सारे गेंद जो है आगे पीछे जाना शुरू कर देते हैं, या जिस तरह कैरम बोर्ड के अंदर जो है एक कोर्ट जो है वो यूज की जाती है और बाकी जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है जब सूरज की रोशनी आती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं, वो आगे पीछे घूमते हैं और साथ साथ अपनी ही एनर्जी जो है जो उन्होंने सूरज से ली थी वो लॉस करना शुरू कर देते हैं। अब वो जो एनर्जी निकली है वो एडीपी, एडीनोसिन डाइफॉस्फेट इसका नाम होता है। ठीक है, एडीनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई का मतलब होता है दो और साथ में फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, साथ में फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेते हैं और बना देते हैं एडीपी का मॉलिक्यूल, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे कितने फॉस्फेट थे? दो फॉस्फेट थे। अब यहाँ पे कितने फास्फेट ग्रुप हो गए? तीन फास्फेट ग्रुप हो गए। यहाँ पे डाई था और यहाँ पे क्या हो गया? ट्राई हो गया। ठीक है, इसी तरह डाई फास्फेट से क्या होगा? ट्राई फास्फेट हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है जड़ों से उसका क्या होता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो है, वाटर टूट के
एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देता है, साथ में एक ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है पौधों से निकल जाती है, आपने देखा है कि पौधे जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वो वही वाटर जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, जबकि साथ में क्या है, एक हाइड्रोजन एटम दे देता है। अब हाइड्रोजन एटम क्या करता है कि पौधों के अंदर एक को एंजाइम पड़ा होता है जिसे कहते हैं NADP, ठीक है। ये को एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, NADP। तो ये हाइड्रोजन एटम जो कि वाटर से आया था, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो कि वाटर से आया था, अब ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NADPH हो जाएगा, ठीक है, NADPH हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज भी हो गई, ठीक है, और साथ में जो वाटर था, वाटर का हाइड्रोजन था, वो NADP जो कि पौधों के अंदर पहले से मौजूद था उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, NADPH बना दिया, ठीक है। ये आगे जाके यूज होगा, ATP की सिंथेसिस में भी यूज होगा और ग्लूकोज बनाने में भी यूज होगा, ठीक है। आगे है जी डार्क रिएक्शन, ठीक है। जो आप पूछ रहे थे कि डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या होते हैं। इनको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है केल्विन, इसके अंदर केल्विन साइकिल होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, केल्विन साइकिल भी होता है। तो सबसे पहले डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन, एक नामी साइंटिस्ट था, उसने जो है डिस्कवर किया था कि डार्क रिएक्शन को, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप रिप्लाई करना छोड़ दें, मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेल्विन केल्विन नामी एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था डार्क रिएक्शन को, ठीक है। डार्क रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि इनको सन लाइट नहीं चाहिए होती, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये रात को होते हैं, दिन के वक्त ही होते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होते हैं, सन लाइट होते हैं, इनको सन लाइट जो है वो नहीं चाहिए होती है। ये यानी कि सूर्य की रोशनी हो या ना हो, ये रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और कहाँ से होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। स्ट्रोमा भी आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह है, ये जो आपको ये जो पीछे फ्लूड नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहे थे, यहाँ पे हो रहे थे, ठीक है। मैं लाइट रिएक्शन को जो है वो हाई लाइट कर देता हूँ, उसके साथ लाइट रिएक्शन जो है वो यहाँ पे हो रहे थे, जो है डार्क रिएक्शन वो कहाँ पे होंगी, वो यहाँ पे होंगे, ठीक है, वो इस फ्लूड के अंदर होंगे, ये जो आपको साइडों के ऊपर एरिया नजर आ रहा है ये है स्ट्रोमा, ठीक है, इसके अंदर होंगे डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, डार्क रिएक्शन होंगे, जबकि जो है लाइट रिएक्शन वो कहाँ पे हो रहे थे, वो यहाँ पे हो रहे थे, ठीक है। ये है ग्रेना, ठीक है, इनके अंदर क्या हो रहे थे, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन हो रहे थे इसके अंदर, ठीक है, लाइट रिएक्शन हो रहे थे इसके अंदर, और डार्क रिएक्शन हो रहे थे, डार्क रिएक्शन होंगे बाहर, ठीक है।